हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान जहां एक तरफ अपनी फिल्म भारत को लेकर बिजी हैं, तो वहीं हमने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने अपनी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग भी शुरू कर दी है। बता दें कि अपनी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग करने मध्य प्रदेश पहुंचे सलमान का एक वीडियो लीक हो गया था। इस वीडियो को लेकर जहां अब तक लोग सलमान और उनके डांस का मजाक बना रहे थे, तो वहीं अब लोग उनकी फिल्म के ही पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। खबरों की माने तो सलमान की दबंग 3 विवादों में पड़ गई है। दरअसल सलमान की जो वीडियो लीक हुई है उसमें उनके साथ साधु संत के गेटअप में भी लोग डांस करते दिख रहे हैं। खबरों की माने तो फिल्म में साधु कलाकारों का नर्मदा नदी में डुबकी लगाने का एक सीन फिल्माया गया है, जिस पर वहां के लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि साधु संतों को इस तरह से दिखाना उनके कल्चर को गलत तरीके से दिखाना है। उनका कहना है कि ये उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से कम नहीं है। वहीं इसी बीच सलमान खान को एक मामले में खुद सफाई देने आना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई उसमें शिवलिंग को तक से ढका हुआ देखा गया। शिवलिंग के पास लोगों को गलत तरीके से बैठे हुए भी देखा गया था। जैसे ये तस्वीर सामने आई, लोगों ने सलमान को निशाने पर ले लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी MLA रामेश्वर शर्मा ने शूटिंग के दौरान हुई इस घटना को लेकर FIR करने की मांग की है। इस पर सलमान ने कहा कि मैं स्वयं बड़ा शिव भक्त हूँ, आप शूटिंग नहीं करने देना चाहते तो तुरंत पैकअप कर चला जाऊंगा। तो देखा आपने, फिल्म की शूटिंग शुरू होते साथ विवादों में आ गिरी है। बात करें इस फिल्म की तो बता दें कि इस फिल्म में चुलबुल पांडे यानी सलमान के साथ एक बार फिर सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगी। प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज होगी। खैर, अब देखना यह होगा कि सलमान की दबंग 3 विवादों से कैसे निपटती है। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भाई वापी वापी थोड़ा भाई 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 नीचे कर यार तेरा भाई, ये साइड भाई। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे सलमान भाई, भाई भाई राइट में, भाई राइट में, भाई हैप्पी बर्थडे भाई, लेफ्ट साइड भाई, भाई सेंटर भाई, यहां पे यहां पे भाई, हैप्पी रिटर्न क्या राइट में भाई, ठीक है, उठा लीजिए, नहीं हो पाएगा सर, कुछ आप बोलिए, एक बार सुनो। आ रही आवाज, आ रही आवाज, स्लो आएगा, नहीं आप लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है, तुम लोग चुप रहोगे तो आवाज आ जाएगी। अरे क्या सुरीली आवाज है, कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज का दिन हर दिन जैसे गुजरता है वैसे गुजर रहा है, और ऊपर वाले ने बहुत नवाजा है तो शुक्रगुजार हैं, बस यही कहना चाहेंगे। और आप लोगों को इतना कष्ट हुआ यहाँ पर आने का, और इस बार कम लोग आए हैं, ये बहुत है पीछे, क्योंकि अंदर ज्यादा फोन कैमरा चल रहे हैं यहाँ से ज्यादा। नंबर्स मायने रखते हैं? नंबर्स इस वक्त तो ऐसा लग नहीं रहा है, आई होप कि कुछ और नंबर्स में भी ना लगे ऐसा कि नंबर्स मायने रखें। आई थिंक बस ऊपर वाले इज्जत दे और सेहत दे, शौहरत कमा लेंगे उसके बाद।
मैगजीन है उसने आपको टॉप सेलिब्रिटी घोषित किया है इंडिया में। झूठ लिखते हैं। नहीं फिर भी नहीं, पब्लिक जो है वो भी आपको बेहिसाब और दिल से प्यार करती है एंड दे आल्सो रिकॉग्नाइज यू। बस ये इसी बात की खुशी है। इस बात वो स्टारडम वगैरह तो इट मैटर्स इन वन वे के यू नो काम चल रहा है, बट ये जो इतनी इज्जत और इतना प्यार जो लोगों से मिलता है उस बात की खुशी है। उस बात की खुशी के लोगों को भरोसा है मुझ पर, और भरोसे से ज़्यादा कुछ नहीं है। मगर छोटे से बच्चा हो या बड़े, सब लोग रेंज देखो आदमी का। रेंज रेंज देखो आदमी का। जब से 50 प्लस हो गया हूँ मैं तो एक एक और फैन फॉलोइंग ऐड हो गई है विमेंस की, हुआ 60 प्लस 70 प्लस। सर मैं आप हमेशा कहते हैं कि मैं दूर भागता हूँ, मैं फार्म हाउस में जाकर के बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन कोई छोड़ता ही नहीं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। नहीं एक तो फ्लॉप हो जाएगी तो घर पे रहूँगा, ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा। बस यही हमारा बस फैमिली है, और बस जितने भी दोस्त यार हैं फैमिली हैं उन्हीं को साथ लेके चलते हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। जो हमारे फैंस हैं उनके लिए अच्छा काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम सब के सब। रेजोल्यूशन मेरी मदर ने मुझसे 4 दिन पहले कहा कि अब ये 4-pack वगैरह 4-pack नहीं चलेगा। जैसे तो क्या बनाया आपने इस साल का रेजोल्यूशन, तो हाउ मी एंड माय मदर टॉक्स नाउ व्हाट क्या रेजोल्यूशन है। ऐसे क्या रेजोल्यूशन, इसे कुछ मत छोड़ो, हाँ सिर्फ मुझे एक चीज़ करो कि मुझे 6-pack ला के दिखा दो। अब इसका मतलब कि डिसिप्लिन में तो आना ही पड़ेगा बहुत सारा, तो वही कर रहे हैं। अब पिछले ये 4 दिन पहले का कॉन्वर्सेशन है, और सुबह जिम जाता हूँ, शाम को जिम जाता हूँ, भागता हूँ 1-2 घंटे, और खाने के ऊपर बहुत फुल कंट्रोल कर लिया। तो माँ ने कहा है कि 6-pack ला के दिखा दो मुझे, जो कि तुम्हारे लिए सिंपल होगा। जो कि है तो वो अब ला के दिखाना पड़ेगा उनको इस साल के एंड में, मतलब कि कुछ ही दिन बचे हैं 31 दिसंबर के लिए, तो माँ को एक भेंट करेंगे 6-pack नए साल ट्वीट करेंगे। तो क्या जैसा लगा लेंगे इसके ऊपर, इसके लिए सब 1-2 हफ्ता ही लगता है और क्या। नए साल में कुछ नई चीज चाहते हैं या मन में कोई इच्छा है आपके लिए? बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहे। और बीइंग ह्यूमन के लिए कुछ करना चाहेंगे? अरे बीइंग ह्यूमन हम कंगाल हो गए आज। वो 50% का डिस्काउंट दिया था, पूरी दुकान खाली हो गई। आज आपने बीइंग ह्यूमन नहीं पहना? हम पहना है हमेशा एक चीज बीइंग ह्यूमन की पहनता हूँ मैं। आज कौन सी देखो जी हाँ, तो प्रणुतन शिजिया, जहीर शिजिया, सूरज शिजिया, सब यहीं पर हैं। अब मुनीश भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे हीरो हैं। अब एक ऐसा एक मौका मिला है मुझे कि अब उनकी बच्ची को लॉन्च कर रहे हैं। और जहीर के फादर मेरे बचपन के दोस्त हैं, और उन्हें मुझे कुछ 2011 रुपये लोन किए थे, और फिर वो कुछ 11,000 में हो गए, तो उसका कीमत तो कभी ना कभी तो अदा करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये लास्टली भारत की शूटिंग अब शायद लास्ट लेग है, अगले जी हाँ, हमें ऐसा लगा था कि लास्ट लेग है, पर ऐसा नहीं। लेकिन लास्ट नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, काफी सारे लेग है।
कुछ 30 दिन की शूटिंग बाकी है दिल्ली बकायदा मुंबई वो सब। हाँ अब वो सब हो गया, अब शूटिंग होगी फिल्मिस्तान फिल्म सिटी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप जाएं, सब ठीक हो आप लोग? ठंड लग रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा आपको देख के नहीं लग रही है ठंड? क्या सोल इन द माइंड सर, एक रिक्वेस्ट थी, पता नहीं आपको ठीक लगे, जो स्टिल कैमरामैन है उन्होंने कहा था ये लाने के लिए काटेंगे।